गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी, 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अहमदाबाद में हुई एक आम आदमी पार्टी की सभा के बारे में। दोस्तों, कितनी सारी जनता आम आदमी पार्टी के अभी फेवर में है। वहीं दोस्तों, 27 सालों का बीजेपी का गुरूर अभी टूटने वाला है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अहमदाबाद में हुई है एक और बीजेपी पार्टी की सभा में, देख सकते हो सारी की सारी सीटें खाली है। वहीं दोस्तों, वहां के लोगों से पूछा गया कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी तो लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी की, और हमें बीजेपी पार्टी ने बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है, कोई विकास नहीं किया है गुजरात के अंदर। तो दोस्तों, वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 का प्रथम चरण 63 सीटों का महा ओपिनियन पोल हम आपके बीच में लेके आए थे, और वहीं हम द्वितीय चरण की 90 सीटों का मेगा ओपिनियन पोल लेके आपके बीच में आएंगे। इस सरकार इस ओपिनियन पोल के जरिए किसकी होगी सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं दोस्तों, ABP न्यूज, टाइम्स नाव और फलोदी सट्टा बाजार ने अपनी 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे भी जारी कर दिया, वो हम बताएंगे इस वीडियो में। सर्वप्रथम बात करें जामनगर की, कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, बात करें अगली सीट दाहोद की, तो यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 4 कांग्रेस पार्टी को, 2 आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 0 और अदर पार्टी को भी 0 सीट हासिल हुई है अब की बार। बात करें अगली सीट खेड़ा की, तो यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं, 6 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, द्वारकाधीश की कुल 2 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है रिपब्लिक भारत और फलोदी सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0-0 सीट। वलसाड़ की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 3 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है बीजेपी के सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों, अमरेली की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 4 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट कच्छ की, कुल 6 सीटों पर तो 6 में से 1 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस पार्टी को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, जूनागढ़ की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 4 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट वडोदरा की, कुल 10 सीटों पर तो 10 में से 5 बीजेपी पार्टी को, 3 आम आदमी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को और 1 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, सूरत की कुल 16 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ 15 आम आदमी पार्टी को सीटें प्राप्त हुई है, 1 कांग्रेस पार्टी को और 0 अदर पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें नवसारी की, कुल 4 सीटों पर तो 4 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है इस बार के 89 द्वितीय चरण की समाप्ति के बाद। बात करें अगली सीट सुरेंद्रनगर की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, दोनों को ही समांतर आम आदमी पार्टी को 1 और बीजेपी पार्टी को भी 2-2 सीटें हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को भी 1 सीट हासिल होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, भरूच की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को, 0 बीजेपी को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है फलोदी सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट मेहसाणा की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, 7 में से 3 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है रिपब्लिक भारत सर्वे के अनुसार। बात करें अगली सीट सोमनाथ की, कुल 4 सीटों पर तो 4 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है आज तक सर्वे के अनुसार। बात करें अगली सीट राजकोट की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं, 8 में से 5 आम आदमी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को और 1 बीजेपी पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। बात करें दोस्तों अगली सीट अहमदाबाद की, कुल 21 सीटों की, तो 21 में से 10 आम आदमी पार्टी को, 7 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को और 1 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है रिपब्लिक KDX न्यूज सर्वे के अनुसार।
अगली सीट अरावली की कुल 3 सीटों पे बात करें तो 3 में से 1 आम आदमी पार्टी को, 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें अगली सीट गांधीनगर की कुल 5 सीटों पर तो 5 में से 2 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को, 0 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार एबीपी लाइव न्यूज सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों बनासकांठा की कुल 9 सीटों पे बात करें तो 9 में से 5 आम आदमी पार्टी को, 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को और 0 अदर पार्टी को मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पार्टी को निशाना साधते हुए ये कहा है कि आपने गुजरात के अंदर कितना विकास किया है 27 सालों में, वो जनता को एक बार खुला चिट्ठा दिखाकर जरूर बताए। वहीं दोस्तों मोदी जी ने आकर ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को अब की बार नहीं लाना है और बीजेपी को पूरा का पूरा समर्थन देना है अब की बार, क्योंकि 27 और 35 साल अभी करना है और राज। वहीं दोस्तों बात करें अगली बात की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि गायों के रखरखाव हेतु हम दोस्तों 25 रुपये प्रतिदिन भी देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।